गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज के वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देख के आपको वीडियो का टाइटल पता चल गया होगा। एंड यस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक मेकअप शॉपिंग हॉल। जी हाँ, रिसेंटली मैं अमेजन से कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स बाय करी थी, तो वो मुझे 2 दिन हो गया रिसीव हो गया है एंड उसको मैं क्वारंटीन करके रख दी थी अलग सा। तो अभी मैं उसको आपके सामने ही अनबॉक्स करूंगी एंड आपके साथ शेयर करूंगी मैं क्या क्या प्रोडक्ट बाय करी हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है बट जितना भी है मैं आप लोगों के साथ अभी उसको शेयर करूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसके पास जो छोटा सा बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है देन लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए एंड कमेंट करना भी मत भूलिए। सो विदाउट टॉकिंग टू मच, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अमेज़न से मुझे ये 2 बॉक्स रिसीव हुआ है, तो फर्स्ट बॉक्स को अभी मैं ओपन करूंगी। ओके, तो फर्स्ट वाला बॉक्स में मेरे पास 3 चीज़ है। तो सबसे पहले है गाइस ये एक माइसेलर वाटर गार्नियर का। तो अभी तक मैं जब भी मेकअप रिमूव करती थी कोकोनट ऑयल से ही करती थी, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था क्योंकि मेकअप रिमूव होने के साथ साथ आपको एक मॉइस्चराइजेशन भी मिल जाता है। प्रिफर करती हूँ कोकोनट ऑयल मेकअप को रिमूव करने के लिए, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ बहुत लोग इसको यूज कर रहे हैं तो मैं इसीलिए ट्राई करने के लिए इसको ऑर्डर करी हूँ, गार्नियर का माइसेलर क्लिंजिंग वाटर। तो इसको मैं पहले यूज करूंगी फिर आप लोगों के साथ जरूर इसका रिव्यू शेयर करूंगी। एंड हाँ, ये सारे चीज़ का लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन मैं प्राइस यहाँ पे नहीं दूंगी क्योंकि मैं कुछ ऑफर चल रहा था तब भी इसको बाय करी थी, तो शायद अभी वो कुछ ज़्यादा प्राइस दिख रहा होगा आपको तो फिर आपको लगेगा कि मैं प्राइस कम करके डाल रही हूँ। मैं सारे का बाइंग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक लिपस्टिक। ये है ब्लू हेवन का एलिगेंस मैट लिप कलर एंड इन द सेड 09। एक्चुअली मैं बहुत दिन से इस टाइप का मैट लिपस्टिक ट्राई करना चाहती थी ब्लू हेवन का, क्योंकि इसका बहुत अच्छा रिव्यू है इतना सस्ता में एंड हाँ ये अंडर 100 ही आपको मिल जाएगा, तो मैं इसको इसीलिए बाय करी हूँ। एक्चुअल में ये रिव्यू जो इसका है वो सच है कि नहीं, इसका मैं ओपन करके एक बार आपको स्वाचेस दिखा देती हूँ कैसा कलर है। आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये एक्चुअल में एक ये रेड भी नहीं है, पिंक भी नहीं है, तो एक मिक्स टाइप कलर है। इस टाइप का कलर मेरे पास एक भी नहीं है, अच्छा लग रहा है मुझे कलर, तो मैं सोची थी शायद पूरा रेड आएगा लेकिन इसका कलर बहुत सही है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कलर। एंड रेस्ट मैं इसको यूज करने के बाद ही बता पाऊंगी कि ये कितना टाइम लास्टिंग करता है लिप्स में। नेक्स्ट है एक इनसाइट का लिपस्टिक। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई भी इनसाइट का प्रोडक्ट अभी तक यूज़ नहीं करी हूँ, ये मेरा फर्स्ट बाय है इनसाइट का। इसका भी बहुत अच्छा अच्छा रिव्यू है सारे प्रोडक्ट्स का, इनसाइट का फाउंडेशन कंसीलर सबका अच्छा रिव्यू है एंड लिपस्टिक का भी। ये भी अंडर 100 है ये लिपस्टिक, एक मैट लिपस्टिक है लिक्विड लिपस्टिक, तो मैं इसको भी ट्राई करना चाहती थी कैसा है ये, तो इसलिए इसको मैं बाय करी हूँ। इसमें मेरा सेड है 15 पिंक प्ले, तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको कि ये कैसा है। एंड अभी हम देखेंगे इनसाइट का स्वाच, तो इसका भी कुछ पिंक कलर में है ये वाला। ये तो दोनों का कलर थोड़ा सा सिमिलर आ रहा है, ये थोड़ा सा डार्क में है एंड ब्लू हेवन वाला थोड़ा सा लाइट है, तो इसको यूज करने के बाद मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर पाऊंगी। ओके, अभी हम ओपन करते हैं नेक्स्ट बॉक्स। ये है मेकअप ब्रश, तो इस टाइप का एक बॉक्स में आया है, इसके ऊपर जरी कवर था जैसे कि आप देखें, मैं इसको भी हटाई।
तो मेकअप ब्रश के साथ मुझे एक ऐसा स्पंज भी रिसीव हुआ है, ब्यूटी ब्लेंडर, बहुत ही क्यूट सा पिंक कलर में है एंड बहुत ही सॉफ्ट है गाइज, अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। एंड नेक्स्ट आया है इसके साथ ये एक एस टाइप का ब्रश, जिसमें आप इसको जो ब्रशेस होता है उसको क्लीन करने के इस टाइप का एक आया है, जिसमें आप ब्रश क्लीन कर सकते हैं, ऐसे ब्रश को यहाँ पे रब करके तो ब्रशेस अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। नेक्स्ट है, वाओ बहुत सही है, नेक्स्ट है ये ब्रश सेट, तो इसको ओपन करते हैं। ओके, तो टोटल इसमें कितना ब्रश है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, तो टोटल 10 का ब्रश सेट है ये। एंड इसके साथ मुझे मिला है एक ब्यूटी ब्लेंडर एंड एक क्लीनिंग वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, जो क्लीन ब्रश को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, एक सरफेस टाइप का जिसमें इसको ब्रश को ऐसे घिसने से वो साफ हो जाता है, ये बहुत सही है। अब एक ब्रश को आपको फास्ट से दिखाती हूँ, वेरी सॉफ्ट एंड इसका लेंथ भी काफ़ी अच्छा है, छोटा नहीं है, बहुत सही है, बहुत सॉफ्ट है गाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे ब्रश। मुझे बहुत डाउट था कि कैसा आएगा, क्योंकि बहुत सस्ता में मुझे मिल गया है, मैं लिंक दे दूंगी आप जाके देख सकते हैं, अंडर 300 मुझे ये ब्रश सेट मिला है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि 300 के अंदर इतना अच्छा ब्रशेस आएगा। तो ओके, तो इसमें जो 5 बड़ा ब्रश है ये है फेस के लिए, ये वाला आप कंसीलर लगाने में यूज कर सकते हैं, इसको भी आप कंसीलर लगाने में यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ ब्लश भी यूज कर सकते हैं, एंड इसको आप फाउंडेशन ब्लेंड करने में यूज कर सकते हैं, एंड इसको आप ब्लश या कॉम्पैक्ट अप्लाई करने में यूज कर सकते हैं, एंड इसको भी आप ब्लश या कॉम्पैक्ट अप्लाई करने में यूज कर सकते हैं। इस टाइप का 5 छोटा ब्रश आया है, तो इसमें ये सारे ब्रश आई मेकअप में यूज होता है, ये ब्रश जो है इसको आप ऐसे ब्लेंड करने के लिए यूज करते हैं, आई शेडो ब्लेंड करने के लिए यूज करते हैं, एंड ये जो ऐसे फ्लैट ब्रश है इसको आप जो नीचे लगाते हैं यहाँ पे आई शेडो लगाने में यूज कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ आपको अगर कुछ आई शेडो ऐसे नॉर्मल प्लेस करना है तो भी आप इस ब्रश को यूज कर सकते हैं, एंड इसको भी आप वैसे ही कुछ प्लेस करने के लिए या फिर कुछ शार्प कॉर्नर ऐसे अगर आपको कुछ शार्प कॉर्नर ऐसे ड्रॉ करना है तो भी आप इस टाइप का फ्लैट ब्रश यूज कर सकते हैं, एंड ये भी सेम फ्लैट ब्रश है तो आप उसको ऐसे कुछ लाइनर वगैरह ड्रॉ करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये टोटल 10 ब्रश मिला है मुझे, एंड उसके साथ ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर, एंड ये सारे का प्राइस अंडर 300 है, जरूर से जाके चेक करिए, बहुत सही प्रोडक्ट है गाइज अंडर 300 में। यही था मेरा रैंडम मेकअप प्रोडक्ट्स जो मैं बाय करी थी अमेजन से, एंड इसका इंडिविजुअल रिव्यू मैं यूज करने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ब्रश सेट का रिव्यू मैं जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ क्योंकि इसको मैं बहुत यूज करने वाली हूँ, दैट्स वाई। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो पसंद आया है अभी तक देखे हैं देन एक लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिए, एंड साथ ही साथ आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मुझे कमेंट में बताइए आपको और किस टाइप का वीडियो चाहिए, एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं देन डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील्स पोस्ट करती हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपके साथ और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे हैप्पी।